हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हंटर कार्स पे। तो आज हम बात करेंगे महिंद्रा की कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 300 के बारे में। ऐसे दिखती है कार की कीज, लॉक अनलॉक का बटन और ये अलार्म का बटन। बात करते हैं कार के फ्रंट से। कार के फ्रंट में हमको DRL देखने को मिल जाएंगे, सेंटर में प्रोजेक्टर और यहाँ पे हैलोजन। ये इसके इंडिकेटर्स इस तरह से दिखते हैं इसके कुछ DRL। बम्पर में हमको मिल जाते हैं हैलोजन बल्ब्स। ऐसा इसका कुछ फ्रंट, सेंटर में मिल जाता है हमको महिंद्रा का लोगो और ग्रिल में हमको मिल जाते हैं काफ़ी क्रोम। ये इसका बम्पर और फ्रंट में हमको मिलती है सिल्वर स्किड। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं हमें XUV 300 में। तो इस तरह से दिखते हैं इसका कुछ फ्रंट। इसमें हमको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, W4, W6, W8 और W8 ऑप्शनल। ये W8 ऑप्शनल है, टॉप एंड वेरिएंट है। देखते हैं कार के साइड प्रोफाइल के बारे में। ऐसे दिखते हैं कुछ कार की साइड प्रोफाइल। बात करते हैं पहले टायर साइज के बारे में। XUV 300 में हमको 215 55 R 70 inches का टायर मिल जाता है विद डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं 70 इंचज के। यहाँ हमको XUV 300 की बैजिंग मिल जाती है। डोर्स में हमको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। XUV 300 में हमको एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं। तो बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में। ऐसे दिखती है इसकी कुछ रियर प्रोफाइल। LED टेल लैंप्स मिलते हैं। यहाँ है महिंद्रा का लोगो। कैमरे की प्लेसमेंट मिलती है यहाँ पे। बात करते हैं इसके बम्पर के बारे में। मैट ब्लैक डुअल टोन में इसका बम्पर मिलता है हमको। एयर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं XUV 300 में। ये W8 की बैजिंग, XUV 300 की ब्रांडिंग। रियर में हमको डीफॉगर्स मिल जाते हैं, वाइपर्स मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना नहीं आता इसमें, स्पॉइलर मिल जाता है। ये इसका फ्यूल टैंक 42 लीटर कैपेसिटी के साथ। इस तरह से दिखती है कार की साइड प्रोफाइल। रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं हमको XUV 300 में और ये इसका सनरूफ। करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। 7 एयरबैग्स ABS विद EBD। फ्रंट और बैक में आपको रियर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं XUV 300 में। और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, कैमरा नहीं मिलता है। रियर में आपको कैमरा और पार्किंग सेंसर दोनों मिल जाते हैं XUV 300 में। और चेंज लाइन इंडिकेटर का सेफ्टी फीचर्स मिलता है आपको XUV 300 में। और इसका फ्रंट ए पिलर आपको ब्लैक पियानो में मिल जाता है, बी पिलर मैट में मिलता है और सी पिलर भी आपको ब्लैक पियानो में मिल जाता है। तो चलते हैं कार के अंदर और करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में बात। पहले बात करते हैं कार के फ्रंट डोर के बारे में। तो ऐसा दिखता है कुछ कार का फ्रंट डोर। क्रोम हैंडल, ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं हमको। ऑटो डाउन पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं हमको यहाँ पे। सेफ्टी लॉक का फीचर मिल जाता है और थोड़ी बहुत स्पेस। और ये लेदर सॉफ्ट टच और ये हार्ड प्लास्टिक ब्लैक एंड पेज कलर में आता है। नीचे हमको थोड़ी बॉटल रखने की स्पेस मिल जाती है, 1 लीटर बॉटल की स्पेस और मैगजीन की स्पेस। और ये देख सकते हैं आप लाइट
जो डोर में रात को हमें हाईवे के लिए काफ़ी हेल्पफुल करती है। ये इसके ट्विटर, ये इसके स्पीकर्स। बात करते हैं सीट्स के बारे में। लेदर पॉस्ट मिलती है हमको XUV 300 में, टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है ये। मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है सीट्स, ये इसका इंक्लाइन का, और ये सीट सेटिंग के बटन। XUV 300 का आपको वेलकम लाइट मिल जाती है, ये इस एक्सेसरी में आता है, आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं आप। बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में। तो ऐसा दिखता है कार का कुछ स्टीयरिंग, लेदर अप स्टीयरिंग है, सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है हमको स्टीयरिंग में देखने को, और ये सेंटर में महिंद्रा का लोगो। पहले बात कर लेते हैं इस बटन्स के बारे में, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये पार्किंग ऑन ऑफ का बटन, और ये लाइट सेटिंग्स का बटन। अब बात कर लेते हैं कार के स्टीयरिंग बटन्स के बारे में। लेफ्ट साइड में हमको मिल जाते हैं फ़ोन के कंट्रोल्स, वॉल्यूम अप डाउन के लिए, म्यूट के लिए, कॉल रिसीवर के लिए, और राइट में हमको मिल जाता है क्रूज़, और वॉइस कमांड का फीचर भी मिल जाता है हमको XUV 300 में। राइट साइड में ये है इसके लाइट्स के कंट्रोल, ये है इसके वाइपर्स के कंट्रोल, जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऐसा दिखते हैं इसके कुछ स्टेयरिंग। टिल्ट स्टेयरिंग आता है XUV 300 में, टेलीस्कोप नहीं आता। तो बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। कार को कर लेते हैं ऑन, तो करते हैं कार को ऑन। तो इस तरह से दिखते हैं इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। रेड इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है जो बहुत अच्छी लगती है, 3D वे मिल जाता है इसको इस मीटर में। तो बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, जो हमें बताती है एवरेज स्पीड, किलोमीटर कवर्ड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और डिजिटल मीटर, टेम्परेचर, और सेटिंग्स में जाओ तो कलर सेटिंग, ब्राइटनेस, ओवर स्पीड फ्लैश, वेलकम साउंड का फीचर मिल जाता है हमको XUV 300 में। इस तरह से दिखता है इसका कंसोल, और ये इसका डैशबोर्ड। सॉफ्ट टच नहीं आता, ड्यूअल टोन कलर में आता है हमको, सिल्वर और ब्लैक कलर में आता है। तो बात करते हैं इसके इंफोटेक सिस्टम के बारे में। तो ये इसका इंफोटेक सिस्टम, जो एक्सेप्ट करती है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, और इकोसेंस, कार इन्फॉर्मेशन, सेटिंग्स। सेटिंग्स में देख सकते हैं आप साउंड, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी सिस्टम, इकोसेंस, और ये हैं इसके मीडिया के बटन्स, होम, रेडियो, फ़ोन, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, नेविगेशन, डिस्प्ले प्रोग्राम। इस तरह से दिखता है कुछ इसका इन्फोटेक सिस्टम। अब बात कर लेते हैं इसके सेंटर कंसोल के बारे में। यहाँ हमें मिल जाते हैं डी फॉगर्स के बटन, सीट रिमाइंडर के बटन, ये हैजर्ड बटन, ये MID के बटन्स, और ये ड्राइविंग मोड। XUV 300 में हमको 3 मोड्स मिल जाते हैं जो हमको MID में शो होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट मोड, और एक नॉर्मल। तो ये इसका डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC। सेंटर में आप देख सकते हैं एयर फ्लो का बटन, और ये साइड में देख सकते हैं आप टेम्परेचर, मेमोरी बटन्स, और ये है ड्राइवर साइड टेम्परेचर, मोड्स, डुअल का बटन, और नीचे हमको मिल जाते हैं एक ऑक्स, USB और एक चार्जर, और यहाँ पे मिल जाते हैं हमको थोड़ी बहुत स्पेस। ये सॉफ्ट टच है रबड़, और ये इसका 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स, ये हैंड ब्रेक, यहाँ मिल जाते हैं हमको 2 कप होल्डर्स की स्पेस, और ये इसका एक आर्मरेस्ट जो थोड़ी बहुत स्पेस है। बात करते हैं इसके ग्लोव बॉक्स के बारे में, काफ़ी स्पेस मिल जाती है हमको इसके ग्लोव बॉक्स में। लैंप मिल जाता है, और ये यूटिलिटी थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है यहाँ पे, और ये इसके AC वेंट्स ब्लैक पियानो में आते हैं, ये 1, 2, 3, 4। और बात करते हैं वैनिटी मिरर्स के बारे में, ये है पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर जो हमको लाइट के साथ आता है।
ड्राइवर साइड भी हमको वैनिटी मिरर मिल जाता है जो लाइट्स के साथ आता है, देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सनरूफ के बारे में। यह इसका सनरूफ जो एंटी पीच सिस्टम के साथ आता है। ये लैंप्स सनग्लासेस होल्डर और ये ऑटोमेटिक रिवर्स मिरर। बात करते हैं कार के रियर कंफर्ट के बारे में, जो चलते हैं कार के पीछे। पहले बात कर लेते हैं कार के रियर डोर के बारे में। डुअल टोन कलर में आता है, ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है हमको। ये पावर विंडो का बटन, सॉफ्ट टच लेदर हार्ड प्लास्टिक। ये इसका स्पीकर, 1 लीटर बॉटल की स्पेस और कुछ मैगजीन की स्पेस। लेदर पॉज की आती है हमको एक्सयूवी 300 के टॉप एंड वेरिएंट में। बात करते हैं इसके लेगरूम के बारे में। लेगरूम बहुत सही है एक्सयूवी 300 का और अच्छा हेडरूम प्रोवाइड करवाती है। पीछे से इस तरह से लिखते हैं इसके कुछ इंटीरियर। और पीछे बात कर लेते हैं तो हमको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर में भी हमको मिल जाता है हेडरेस्ट और सेंटर में हमको मिलता है एक आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। पीछे हमको कोई चार्जर नहीं मिलता, एसी वेंट्स नहीं मिलते। तो ये थी, यहाँ पे हमको एयर बैग मिल जाते हैं कार के दोनों साइड में। 7 एयर बैग आते हैं एक्सयूवी के टॉप एंड वेरिएंट में। एडजस्टेबल सीट बेल्ट का ऑप्शन भी मिलता है हमको एक्सयूवी 300 में। बात करते हैं इसकी बूट स्पेस के बारे में। लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है हमको एक्सयूवी 300 में। ये इसकी पार्सल ट्रे जो एक्सेसरी में आ जाती है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से दिखता है इसका कुछ बूट। ये इसका स्पेयर व्हील जो 7 इंचेस में आता है। यहां मिल जाती है हमको एक लैंप। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। ये ऑल न्यू BS6 डीजल इंजन जो हमें देता है 116 की हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये इसकी कुछ डैम्पिंग देख सकते हैं आप बोनेट की, जो इंजन की वॉइस नोज को रोकता है कार में आने में। तो ये थी 2020 XUV 300। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।